चलो यार, आज मैंने किचन की सारी साफ सफाई कर दी। काफी दिनों से गाइस किचन काफी गंदी हो रही थी और बर्तन भी मैंने गाइस सारे के सारे साफ कर दिए। और गाइस आपको पता है, आज तो मैंने पिज्जा मंगाया और अकेले मैंने खाया, क्योंकि सिंचन का बच्चा पता नहीं यार कहीं चले गया, सुबह से मेरे को दिख नहीं रहा। और गाइस थोड़ी देर पहले उसका कॉल भी आया था और भाई वो मेरे से मजाक कर रहा है, कह रहा है कि भाई वो पहाड़ी पे अकेला है, मतलब गाइस वो ना अपने स्कूल की पहाड़ी पे अकेला है और भाई उसको कोई ऐसा बंदा दिखा है जो कि भाई सिर्फ और सिर्फ उसको ही दिख रहा है और किसी को दिख ही नहीं रहा। ऐसा भी बताओ गाइस, हो सकता है क्या? और सिंचन मुझसे कह रहा है कि फ्रैंकल भैया जल्दी आ जाओ मुझे यहाँ से लेने के लिए, कोई बंदा है जो भाई सिर्फ और सिर्फ उसे ही दिख रहा है। ऐसा तो गाइस कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी गाइस मैं सिंचन को लेने के लिए चले जाता हूँ, क्योंकि सिंचन का स्कूल ना गाइस हमारे घर से काफी दूर है और भाई वो अगर पैदल आएगा ना तो उसे काफी टाइम लग जाएगा। इससे बढ़िया गाइस मैं ही उसे लेके आता हूँ ताकि भाई वो घर पे जल्दी पहुंचे और स्कूल का होमवर्क कंप्लीट कर सके। पूरे 2 हफ्तों से भाई उसने स्कूल का होमवर्क ही नहीं करा। और गाइस आपको पता है, जो हमारी गली है ना, हमारी गली के पीछे वाली गली में गाइस एक बंदा भाई ट्रेन खरीद के लाया है। सच में गाइस ट्रेन खरीद के लाया है। पहले तो भाई मेरे को विश्वास नहीं हुआ, उसके बाद गाइस जब मैं उसके घर पे गया ना तो भाई मैंने देखा उस बंदे ने अपने घर के बाहर एक ट्रेन खड़ी कर रखी है, वो भी गाइस काफी बड़ी ट्रेन। अभी गाइस मैं सिंचन को भी दिखा के लाऊंगा भाई उस ट्रेन को। बताओ भाई, बंदे आजकल गाड़ी नहीं खरीद रहे, बाइक नहीं खरीद रहे, सीधे गाइस ट्रेन खरीद रहे हैं, लेकिन वो ट्रेन को चलाएगा ही कहां भाई, रोड पे तो चला नहीं सकता ट्रेन, क्योंकि गाइस हमारी रोड पे कहां ही ट्रेन चलेगी, वो तो पटरियों पे चलती है ना। अरे पापा जी ने तो आज मेरे को यार साइकिल दिला दी। मैंने पापा जी से बोला, पापा जी साइकिल दिलाओ, पापा ने 1 सेकंड के अंदर साइकिल दिला दी। मुझे लगा था पापा कभी साइकिल दिलाएंगे ही नहीं, और पापा ने साइकिल दिला दी। आज तो सिंचन को दिखा के लाऊंगा और सिंचन को चिढ़ाऊंगा भी साथ के साथ, क्योंकि सिंचन के पास तो साइकिल ही नहीं है। बहुत बढ़िया, पापा जी किधर हो? पापा जी देखो मैं साइकिल चलानी सीख भी गया। जिस दिन पापा जी साइकिल लाए थे ना, उस दिन मुझे साइकिल चलानी आती नहीं थी, लेकिन अभी देखो मेरे को साइकिल चलानी आ गई बहुत अच्छे से। ओए देख मेरे चले चले, देख साइकिल चलानी आ गई मेरे को। इसका जो कुत्ता है ना, इससे मैं चीले बोलता हूँ। पापा जी किधर हो? लगता है पापा जी गए हैं कहीं शॉपिंग वगैरह करने के लिए। कोई बात नहीं, जब वो शॉपिंग करके आएंगे ना, जब उनको दिखाऊंगा कि मेरे को साइकिल चलानी आ गई। अरे पापा जी तो ये खड़े। अरे लिटिल सिंघम बेटा गिरा दिया मेरे को बेटा, रुक अभी तेरी हड्डी तोड़ता हूँ, तेरे को साइकिल मैंने इसलिए दिलाई है क्या? अरे पापा जी सॉरी। अरे लिटिल सिंघम बेटा, तू सॉरी को छोड़, तू मुझे ये बता, जब तेरे को साइकिल चलानी आती है तो तूने क्यों ली साइकिल? अरे पापा जी आती है, मैं आपको साइकिल चलानी आ गई यही दिखाता, ये ले फिर लात खा। है एक तो तू मेरे को ऊपर से ठोकता और कहता साइकिल चलानी आती है, आज तेरी हड्डी को तोड़ूंगा, ये ले। आज तक तूने कोई एक अच्छा काम करा है ना? तू स्कूल को होमवर्क करता और ना ही तू अच्छे नंबर लाता, ये ले साइकिल चलानी भी नहीं आती तुझे। अरे पापा जी कल से साइकिल चलानी पक्का सीख जाऊंगा। नहीं सीखेगा बेटा तू, नहीं सीखेगा, लगता है साइकिल बाप सीख करके आनी पड़ेगी। अरे नहीं पापा जी ऐसा मत करो, और पापा जी घर के अंदर मार लो जितना चाहे, गली में मत मारो, क्योंकि पापा जी बेइज्जती हो रही है मेरी, बहुत रिस्पेक्ट है गली में। रिस्पेक्ट से बेटा आज मैं तेरी निकालूंगा। ये बता तूने कल का स्कूल को होमवर्क करा नहीं करा? अरे नहीं करा पापा जी, मन ही नहीं लगता स्कूल को होमवर्क करने में। क्या कहा तूने? मन नहीं लगता मतलब पढ़ने में मन नहीं लगता तेरा? आज से तेरा पढ़ने में मन लगेगा, मैं लगवाता हूँ। अरे ये क्या कर रहा है, लगता है किसी को मार रहा है, बहुत अच्छे अंकल, मारो इसको मारो। अरे पापा जी बोला था ना बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन पापा जी आप माने नहीं, बेइज्जती कराई। अरे इस खटोला को निकाल ले। अरे गिरा दिया, अरे गिरा दिया, गली में मेरे को ठोक के चले गया। अरे पापा जी आज तो आपकी भी बेइज्जती होगी मेरे साथ साथ, मजा आया पापा जी? ये ले तेरा मजा, तो मैंने ही निकाल दिया। अब इस गाड़ी वाले को सबक सिखाऊंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई बीच बाजार गली में मेरे को ठोक के भागा है। लिटिल सिंघम की बेटा की साइकिल लेके जाता हूँ और आज इसको तोड़ूंगा अच्छे से, जैसे अपने लिटिल सिंघम बेटा को तोड़ता हूँ। अरे किसकी हिम्मत होगी जिसने मेरे पापा जी को ठोका, आज मैं जाके उसे ठोकूंगा। आंटी जी जरा बाहर निकलना। आंटी जी अरे बेवकूफ बच्चे, आंटी दिख रही हूँ क्या मैं तेरे को? अरे भाग जा अंकल के बच्चे, अभी जाता हूँ क्योंकि पापा जी साइकिल तेज चला नहीं पाएंगे। मैं जाता हूँ सफेद गाड़ी वाले को पकड़ के बहुत मारूंगा। पापा जी किधर हो आप? अरे बहुत बढ़िया लाल रंग के जानवर यार, तू तो यार बहुत ही अच्छा है मेरे को यार, मस्त तू यार गोदी में उठा के लेके जा रहा है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लाल रंग के जानवर क्यों बोलता है तू मुझे? तेरे को मैंने बताया ना मेरा नाम जेलीमैन है, जेलीमैन। बोल। अच्छा जेलीमैन भाई, अब तू जल्दी जल्दी चल भाई, क्योंकि हमारा घर ना आने वाला है। देख तूने बोला था घर पे ले जाके चाय पिलाएगा, पिलाएगा ना चाय? अरे क्यों नहीं पिलाऊंगा यार, तू तो बहुत अच्छा दोस्त है, तू सिर्फ यार मुझे ही दिख रहा है और किसी को भी नहीं दिख रहा पूरे लॉस एंजेलिस में। तेरे को चाय भी खिलाऊंगा और साथ के साथ नमकीन भी पिलाऊंगा। अरे नमकीन पिलाएगा चाय खिलाएगा कि बल्कि ये बोल चाय पिलाएगा तू मुझे? चल जल्दी बता कौन सा घर है तेरा? अरे यही घर है यार, यहाँ पर ये जो आदमी खड़ा हुआ है। ये आदमी भी नहीं देख पाएगा, देख मुझे अभी इस आदमी के पास जाके इसे चौंका देते हैं। आदमी अंकल आदमी। अरे ये क्या देख रहे हो सपने में? अरे सिंचन बेटा तू ये हवा में कैसे लटका हुआ है? अरे अंकल हवा में नहीं यार, जेलीमैन ने मुझे गोदी में उठा रखा है। ना बच्चे ना, लगता है मैं सपने में हूँ। अरे अंकल कोई सपने में नहीं हूँ यार। बेटा तू हवा में ऐसे कैसे लटक गया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा सिंचन बेटा। अरे अंकल पीछे देखो जेलीमैन खड़ा है। ना सिंचन बेटा मुझे कोई नहीं दिख रहा, बेटा लगता है तू भूत है, या तो तू भूत है या तेरे घर में भूत है। आज के बाद तेरे घर में कभी नहीं आऊंगा। सिंचन बेटा हवा में लटक गया। अरे अंकल यार कैसे समझाऊं यार, मेरे पीछे जेली
पानी मैन है जिसने यार मुझे गोदी में उठा रखा है और वो ना किसी को भी नजर आ रहा है। भूत है भूत भागो। अरे जेली मैन अपना तू यार फटाफट से घर के अंदर चल। अब तुझे पता है नीचे ना यार मेरा चौप दोस्त भी है, मतलब हमने ना एक कुत्ता पाल रखा है। चल देखते हैं यार वो डॉग तुझे देख पाएगा या फिर नहीं देख पाएगा। और याद रखियो अगर उसने तुझे देख लिया ना तो तेरे पैर को अधेड़ी देगा, उसके दांत ना बहुत पेने। चल चौप के पास लेके चल। चौप कहाँ है तेरा चौप? मुझे तो कोई चौप नाम के हड्डी दिखाई नहीं दे रही। अरे हड्डी लगता है चौप यार चले गया स्वीटी से मिलने के लिए। चल तेरे को चाय पिलाता हूँ। ये क्या है, ये पानी है क्या ये? अबे यार मुझे पता था ये सिंचन का बच्चा ना मुझे पागल बना रहा है। गाइस मैं स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पे पहुंच गया और पूरी पहाड़ी छान माली, लेकिन ना तो मुझे सिंचन दिखा और ना ही सिंचन के दोस्त दिखे। ये सिंचन यार हमेशा यार मेरे से ऐसे ही काम करवाता है। अच्छा खासा गाइस मैं अब तक ना घर पे सो लेता और अपनी नींद पूरी कर लेता, लेकिन ये सिंचन की वजह से गाइस मैं इतनी दूर तक घूम के आ गया और कोई फायदा भी नहीं हुआ। मैं गया था यार सिंचन को घर पे बुलाने के लिए, वो यार पहाड़ी पे था ही नहीं। चलो गाइस अब एक काम करते हैं, घर पे चल के ना मजे से टीवी देखेंगे, क्योंकि काफी टाइम हो गया यार मैंने टीवी भी देखी। और जब भाई लाइट जाएगी ना उसके बाद आराम से सो ही जाऊंगा। ओए सिंचन ये कौन है भाई रेड रंग का बंदर? अरे तुम्हें ये दिखाई दे रहा है क्या? और क्या सिंचन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो किसको पकड़ के लिए आया भाई? इसने कोई कॉस्ट्यूम पहन रखा है क्या? कॉस्ट्यूम नहीं पहना, लेकिन हम तुम्हें भी दिखाई दे रहे हैं। हम तो ये सोच के बड़े अजीब लग रहे हैं फ्रेंगिल भाई, ये बंदर ना किसी को दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ तुमको और मेरे को दिखाई दे रहा है और चौप को भी दिखाई नहीं दे रहा। अब बात सबको ले कौन दिखाई दे रहा है तुमको? बात सबको ले मेरे को तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। अगर बात सबको ले दिखाई देगा ना तो उसके पैर को उधेड़ दूंगा। अरे यार ये तो गाइस काफी बढ़िया बात है, अगर ये बंदा सिर्फ और सिर्फ मेरे को और सिंचन को दिख रहा है सिंचन, ये तो काफी अच्छी बात हुई ना। अरे हाँ फ्रेंगिल भाई अच्छी बात हुई, लेकिन भैया ये जो छोटे से भैया है ना, अरे मेरा नाम सिंचन है जेली मैन। अब बात सबको ले तुम जिस किसी से बात कर रहे हो ना बात सबको ले से बाहर ले जाके बात करो, क्योंकि बात सबको ले मैं ना बहुत कंफ्यूज हो गया। बात सब तुम किसी से बातें कर रहे हो वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। अरे मुझे चाय नहीं पिलाई छोटे बच्चे ने सिंचन ने, इसने बोला था चाय पिलाएगा। अरे मैंने बोला था यार चाय खिलाऊंगा तुझे और नमकीन पिलाऊंगा। देख सिंचन बेटा चाय तो पिलानी पड़ेगी। अरे भाई मैं तुझे चाय पिला दूंगा, लेकिन पहले ना एक बार तू मेरे पीछे आ। गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ यार, इसको गाइस सिमियन की शॉप पर लेके चलते हैं, और गाइस वहां पर ना गाइस हम चेक करते हैं ये सिमियन को दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दिखाई दे रहा। और भाई अगर ये सिमियन को भी नहीं दिखाई दिया ना तो गाइस ये तो भाई जाके भाई सिमियन के यहाँ से भाई गाड़ी लेके आ सकता है, और फिर देखते हैं गाइस सिमियन का क्या ही रिएक्शन होता है। सिंचन इसे जल्दी लेके आ भाई, मेरे दिमाग में काफी अच्छा आइडिया है। चल सिंचन थोड़ा चलता है प्रैंक करके आते हैं। अरे बिठाओ यार हमको फटाफट से फिर तो लेट्स गो गाइस। अभी हम सारे लोग गाड़ी के अंदर तो बैठ चुके हैं। अरे ये वाहन तो तुम्हारा मुझे बड़ा प्यारा लगा, ऐसा वाहन मैंने बहुत देखा है लॉस सैंटोस में। अरे भाई तू बता यार क्या क्या कर सकते हैं? जो तुम मुझसे करवाओगे मैं वो करूंगा, आज से मैं तुम्हारे घर में रहूं। हाँ भाई तू मेरे घर में रह सकता है, लेकिन हमें तुझसे डरने की तो जरूरत नहीं है ना। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पर यार गाड़ी कैसे चला रही हो टेढ़ी मेढ़ी? हाँ सिंचन ये भाई ऑफ रोडिंग कार है, इसलिए सिंचन मैं इसको हमेशा ऐसे चलाता हूँ। जब तुझे सिंचन स्कूल से घर लेके आता हूँ जब भी तो ऐसे ही से ड्राइव करता हूँ। अरे मुझे एक काम करो चाय पिलाओ। अबे भाई चाय पीने का भूख है क्या? चल तेरे को चाय भी पिलाऊंगा, पहले तू मेरा काम कर देख। तो गाइस अभी हम यार सिमियन की शॉप पर तो पहुंच चुके हैं, और सिंचन आज ना भाई हम सिमियन की शॉप के पीछे खड़े होंगे, और सिंचन इस जेली मैन को भेजेंगे भाई सिमियन के पास और चेक करेंगे सिंचन पीछे से आखिरकार भाई सिमियन का क्या ही रिएक्शन रहता है इसको देख के। अरे हाँ सिमियन भैया तो डर जाएंगे, क्योंकि गाड़ी के अंदर जैसे ये बैठेगा ना और गाड़ी चलाएगा तो सिमियन भैया सोचेंगे गाड़ी के अंदर भूत घुस गया। अच्छा तो ठीक है मुझे क्या करना है, इस दुकान के अंदर जाना है ना मुझे? तुम बस यहीं पे रुको मैं जाता हूँ दुकान के अंदर, जाके ना दुकान की गाड़ी चिरा के लाता हूँ, बस यहीं पे रुकना। चलो 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 चलते हैं। ये बच्चे बहुत अच्छे लगे क्योंकि मुझे इस दुनिया में कोई नहीं देख सकता, लेकिन इन दो जनों को मैं दिखाई दे रहा हूँ। ये टकला है सिमियन, सिमियन भैया सिमियन भैया, ए सिमियन भैया देख क्यों नहीं रहा मुझे? बहुत अच्छे गुस्से गिरा दिया, बेहोश हो गया गुस्से में लगता है ये तो। अरे सिमियन भैया खड़े हो, सिमियन भैया मैं घूसा मारते बेहोश कर दिया सिमियन भैया। अरे इनके अंदर तो जान ही नहीं है बिल्कुल भी। अब एक काम करते हो सिंचन भैया को बुला के लाते हो और उनसे बोलता हूँ जो सी कार चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि सिमियन भैया में तो घूसे की जान नहीं है, घूसा मारा नीचे गिर गए। सिंचन भैया और क्या नाम था उस लंबे का नाम फ्रैंकिल, फ्रैंकिल भैया फ्रैंकिल। अब सिंचन भाई ये तो आ गया यहाँ पे, भाई क्या रिएक्शन रहा सिमियन का? भाई हम तो देख ही नहीं पाए, तू बड़ी जल्दी आ गया। चल एक काम करता हूँ सिंचन मैं सिमियन से पूछ के आता हूँ भाई अभी उसके साथ कोई एक्टिविटी हुई है क्या? अरे कोई एक्टिविटी नहीं, उसमें घूसा मार के उसे बेहोश कर दिया। अबे ये क्या कर दिया इसने गाइस? भाई सिमियन की घूसा ही मार देगा डायरेक्ट। चलो छोड़ो गाइस जब सिमियन को होश आएगा ना तो भाई सिमियन भी मेरे को कॉल करके जरूर बताएगा आज भाई उसको किसी अनजान व्यक्ति ने घूसा मारा जो कि भाई उसको दिखाई भी नहीं दिया। ये लो भाई कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है। देखो यार सिमियन की गोल्ड की कार के अंदर मैं यूं ही बैठ गया, और देख सिंचन भाल लेके भी आ गया। किधर है तू? अरे फ्रेंगिल भाई तुम जल्दी आओ यार, अभी देखो जेली मैन ने मुझे क्या बताया। अबे लेकिन तुम हो कहां भाई, मेरे को तो दिखाई भी नहीं दे रहे, बस तुम्हारी आवाज आ रही है मेरे को। अरे फ्रेंगिल भाई जेली मैन ने मुझे बहुत तगड़ी बात बताई है। अबे पहले भाई गाड़ी
गाड़ी के अंदर तो बैठ जा। पता नहीं गाइस कहां से ये आवाज लगा रहे हैं, ये देखो ये आ रहे दोनों के दोनों भागते हुए। फ्रैंकल बेस ने बताया यार मेरे को एक ना फ्रैंकल बे टनल है जिसके अंदर इस बंदे ने यार फ्रैंकल बे बहुत सारे पैसे देखे। क्या भाई सच बता रहे क्या? हां भैया अगर तुम्हें वो पैसे चाहिए तो मुझे बताओ, बहुत साल पहले मैंने एक टनल देखी थी। जब मैं उस टनल के अंदर गया तो मैंने देखा उसके अंदर किसी बंदे ने ना चुरा के बहुत सारे पैसे डाल रखे हैं, लगभग 300-400 करोड़। अबे क्या 300-400 करोड़? तो भाई मेरे को तो फटाफट से उस लोकेशन पे लेके चल। तो फाइनली गाइस अभी पूरी 2 दिन बीत चुके हैं और आपको पता है गाइस जेली मैन को लेके भाई मैं उस टनल के अंदर घुसा भी था। और गाइस वहां पे जैसे मैं गया भाई मैंने काफी सारे पैसे देखे। और गाइस आपको पता है वो सारे पैसे में से गाइस आधे पैसे हमने खर्च भी कर दिए। ये देखो गाइस 3-3 भाई हमारे पास गोल्ड की कार है। और गाइस 3 ही नहीं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर भाई हमारे पास कितना कुछ है। और ये जो घर देख रहे हो ना ये भी गाइस फुल टू फुल हमारा न्यू हाउस है। अरे हाँ यार इस जेली मैन ने तो किस्मत ही चेंज कर दी फ्रैंकल भाई, हमने तो नया घर खरीद लिया। वाओ सिंचन यार क्या ब्यूटीफुल घर लग रहा है भाई हमारा, ऐसा ही घर तो सिंचन मुझे चेता। अब तो गाइस हमारे पास 2-2 घर हो चुके हैं। और भाई यहाँ पर चेक करो गाइस, और मैंने भाई यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी गाड़ियां भी मांग रखी है। और मैं क्या सोच रहा हूँ गाइस हमारे पास ना भी काफी सारा कैश भी बचा हुआ है, तो गाइस उस कैश को गाइस मैं फटाफट से यार गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करा के गाइस गोल्ड भी काफी सारा खरीद लेता हूँ, क्योंकि यार अभी मेरे पास 200 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। और 200 करोड़ का गाइस हम क्या ही कुछ नहीं कर सकते गाइस। यार आप लोग ने फटाफट से हमको कमेंट करके बताओ आखिरकार यार हमको 200 करोड़ का क्या खरीदना चाहिए। गाइस हमने बहुत सारे पैसों का तो यार सामान भी खरीद लिया, अभी सिंचन हमने ज्यादा कुछ खरीदा ही कहा है भाई, थोड़ी बहुत गोल्ड की गाड़ियां खरीदी हैं और सिंचन फिर अपना ये बड़ा घर खरीदा है, इसलिए तो गाइस अभी हमारे 200 करोड़ बचे हुए हैं। आप लोग गाइस फटाफट से कमेंट करके बताओ यार आखिरकार हमको खरीदना क्या चाहिए। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या ही करो गाइस, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस कमेंट में ये भी बताना यार आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो क्या। हाँ यार फटाफट से कमेंट करके बता दो। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब गाइस प्यारा वाला बाय।